my YouTube channel. My name is Shriya और आज के इस वीडियो में we will discuss elimination method. How to solve these two variable problems with the help of elimination method. इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बाकी के मेथड्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, किस तरह से कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, सभी वीडियोस में आपको अच्छे से मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज x plus y is equals to 5 into x minus 3y is equals to 4. ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं और हमें इन्हें सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मतलब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है. देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, हम जो इजी इक्वेशन थी उसमें से x की वैल्यू निकालते थे और उसको दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते थे. उससे क्या होता था कि वेरिएबल सेम हो जाते थे. जैसे अभी x और y थे, फिर जब हम सब्स्टिट्यूट करते थे दोनों ही y हो जाते थे और उसको सॉल्व करना इजी हो जाता था. y की वैल्यू आ गई फिर हम वही पुट कर देते थे, फर्स्ट में x की वैल्यू आ जाती थी. दिस वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाम से ही क्लियर है, किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देना. जैसे हम x की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते थे. तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज की वैल्यू को दूसरी में पुट कर दें. जो आज मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को एलिमिनेट करना यानी खत्म कर देना. ठीक है, तो अब हम वो करेंगे. सबसे पहला रूल जो होता है एलिमिनेशन मेथड का ये होता है कि जो कॉफिशियंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए. जो x के कॉफिशियंट है पर्टिकुलरली वो सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर x या y दोनों में से किसी एक के कॉफिशियंट सेम होंगे तभी वो कैंसिल आउट होंगे, अदरवाइज वो कैंसिल आउट नहीं होंगे. मेक श्योर x और y दोनों के सेम ना हो जाए, वरना दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल लेफ्ट आउट विद नथिंग. और उस केस में जो भी आंसर होगा वो होगा दैट दिस इक्वेशन गॉट नो सॉल्यूशंस. ठीक है, अब जैसे ये है, इसमें x का कॉफिशियंट 1 है और इसमें x का कॉफिशियंट 2 है. मुझे x के कॉफिशियंट को सेम करना है तो मैं क्या करूंगी, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, नीचे वाली इक्वेशन को 1 से. अब 1 से क्यों, क्योंकि अगर मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 बन जाता और फिर से सेम नहीं होते. तो सबसे इजी रूल है कि दोनों के जो कॉफिशियंट होते हैं ना, जैसे इसका कॉफिशियंट 1 था तो आपको बस उल्टा कर देना. अगर इसका क्वेश्चन 1 था तो इसी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका कॉफिशियंट 2 है तो ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर. तो इसको सॉल्व करने के बाद तो मेरे पास बचता है 2x plus 2y is equal to 10. यही होता है, इधर पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी है. कई बार गलती क्या हो जाती है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई कर देते, लेफ्ट हैंड साइड को करते ही नहीं है. तो ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, इसका आपको ध्यान रखना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एज इट इज आ जाएगी, 2x minus 3y is equals to 4. ये आ जाएगी आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन. अब एलिमिनेशन मेथड में हम करते हैं सब्ट्रैक्शन. हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, उसके लिए अब आपको पता है सब्ट्रैक्शन हमने छोटी क्लासेस में करी हुई है. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. जब भी हम वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं. जैसे अब ये है, ये प्लस का साइन था लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का. ठीक है, तो आपको साइन चेंज करना है. तो देखिए, ये अगर प्लस का साइन है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का, उसके बाद ये माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा प्लस का, और कॉफिशियंट जो है वो भी पॉजिटिव है तो ये भी हो जाएगा माइनस. अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अब ध्यान से देखिए, ये प्लस 2x है लेकिन ये अब प्लस 2x नहीं है. अब इस पूरी इक्वेशन के जो सिंबल्स हैं वो रेसिप्रोकेट हो चुके हैं. अब इनके जो सिंबल्स हैं वो नीचे है, ये ध्यान रखना. तो अब ये कौन सा 2x है, माइनस का. अब हमें पता है प्लस 2x और माइनस 2x ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, आंसर जीरो आता है. तो सिमिलरली ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट और यहाँ आ जाएगा जीरो. अब इसको देखो, इसको हाइड कर लिया करो इस तरह से. अब ये है प्लस 2y प्लस 3y, ये बन जाएगा 5y, राइट. और इधर 10 माइनस 4 दैट इज 6. ठीक है, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5. इस तरह से y की वैल्यू आ गई. अब ये जो y की वैल्यू है, कुछ नहीं करना, आपको इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, उठा के वैल्यू पुट कर देनी ताकि x की वैल्यू आ जाए. लेकिन मेक श्योर हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशंस है. पहली दो जो थी, ये जो क्वेश्चन में थी, दो वो बनी थी जो मैंने मल्टीप्लाई करके बनाई. तो पुट किस में करना,
पहली वाली में जो क्वेश्चन में आपको अवेलेबल है, दूसरी वाली में पुट नहीं करना, अदरवाइज आंसर में डिफरेंस आएगा। तो देखिए अब वाई की वैल्यू आ गई, अब मैं इसको इसमें पुट कर दूं, एक्स प्लस वाई की जगह मैं सिक्स बाय फाइव लिख दूंगी इज इक्वल टू फाइव। अब ये x की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 5 माइनस 6 बाय 5, इसका मैं ले लूंगी एलसीएम, ये बन जाएगा यहाँ पे 1 है तो ये बन जाएगा 5 इंटू 5 दैट इज 25 माइनस 6, ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 19 बाय 5, x की वैल्यू आ गई 19 बाय 5, तो ये x की वैल्यू, ये y, लास्ट में आप दोनों वैल्यूज लिख देना, x इज इक्वल टू 19 बाय 5 आया है और y इज इक्वल टू 6 बाय 5 आया है। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में देखिए दोनों वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं किस तरह से। अब इसमें पता क्या है, अगर मैं x को चेंज करने लगूंगी तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को 2 से, तो काइंड ऑफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं x को सेम करने के बजाय ना y को सेम कर देती हूँ। ये आपको देखना पड़ेगा आपको कौन सा वेरिएबल इजिली यू नो सेम हो सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 बन जाएंगे, इसको 1 से ही कर लेते हो तो ये इजी है। वहां पर मुझे 2 और 3 से करना पड़ता, वो वैल्यू 6 में चले जाती, ये तो 20 में चले जाती है ना। तो इस तरह से मतलब हमें ये नहीं है कि वो मेथड गलत होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप एक्स को भी सेम कर सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि हम जितना उसको यू नो रख सके इजी, कॉम्प्लिकेट ना होने दे ज्यादा, उतना बेटर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन तो यही बनेगी 3x plus 4y is equals to 10, है ना। दूसरी बन जाएगी 4x minus 4y is equals to, ये बन गया आपके पास 4, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ना प्लस कर देंगे। अब इसमें माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो हमने माइनस किया था। यहाँ पर ये जो मेरे दो मुझे कट करने हैं ना, ध्यान से देखो, ये दोनों ऑलरेडी प्लस और माइनस में है, तो अगर मैं प्लस करूंगी तो साइन नहीं चेंज करना, तो ये ऐसे ही कट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, और ये प्लस फोर में कट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो इसलिए मैं सब्ट्रैक्शन नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी एडिशन कर दूंगी। तो मैं लिख देती हूँ एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अपना मतलब बेस्ट इजिएस्ट वे ढूंढना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करती तो क्या हो जाता, वो प्लस प्लस हो जाते और वो कटते ना, या फिर अगर सब्ट्रैक्ट ही करना है तो इसको मैं 2 के बजाय माइनस 2 से मल्टीप्लाई करती, हो गया ना ये कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंपल इस तरह से सॉल्व कर देंगे। एडिशन में क्या होगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये दोनों सिंपली प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7x, ये तो कट हो गया, इज इक्वल टू 14, ये आया। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14 बाय 7, कटिंग हो जाएगी, x विल बी 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब y की वैल्यू निकालने के लिए आपको कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इन इक्वेशन में कोई भी इजी वाले ढूंढ लो, मुझे ये थोड़ी अच्छी लग रही है इक्वेशन, इजी लग रही है तो मैं इसमें पुट करती हूँ। तो 2 x की जगह क्या आएगा, 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, तो ये बन गया 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, तो देखो नेगेटिव में आ रहा है कैसे, माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से माइनस और माइनस का साइन कट जाएगा, y विल बी 1, क्योंकि यहाँ से y हो जाएगा ना 2 बाय 2, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 1। इस तरह से x और y भी दोनों मिल जाएंगे। सी आपको किस तरह से यू नो सब्ट्रैक्शन करनी है या एडिशन करनी है, किस कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा है, ये चीजें बस थोड़ी सी टेक्निकल सी है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है वाई एलिमिनेशन मेथड। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इस स्टेटमेंट में 3x minus 5y minus 4 equals to 9x minus 2y minus 7 equals to 0, ये कुछ अलग नहीं है, बस मैंने जो कोफिशियंट वाली टर्म होती है ना जीरो के, उस साइड लिखने के बजाय इस साइड लिखी है। अगर आपको इसे सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आप इसको माइनस 4 वाली टर्म को उस साइड भेज सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए इनके कोफिशियंट सेम करने के लिए मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को सिंपल है 3 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, और नीचे वाली को 1 से ही, क्योंकि ये 9 बन जाएगा तो इसको तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 9x minus 15 by minus 12 is equals to 0, दूसरी बन जाएगी इस तरह से,
ये बनी। अब देखो सब्ट्रैक्शन करेंगे बिकॉज दोनों साइन उल्टे दोनों साइन सेम है तो माइनस ही करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस कट गए, और ये देखो माइनस और प्लस साइन माइनस का लगेगा लेकिन हाँ माइनस का साइन लगेगा बस। अब देखो इसको मैं हाइड कर लेती हूँ 15 माइनस 2, ठीक है, इस तरह से मैं इस साइन को हाइड कर देती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 13 वाई। इसको भी हाइड कर देती हूँ ये मेरे पास, इसको भी हाइड कर देती हूँ ये मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 5, ठीक है, बिकॉज ये हाइड कर देंगे तो 15 के साथ माइनस है 12 के साथ माइनस है तो बड़े वाला साइन कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगा माइनस 13 वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ से वाई आ जाएगा माइनस 5 ओवर 13, सिंपल। अब x कैलकुलेट करने के लिए इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मुझे ये थोड़ी सिंपल लग रही है तो मैं इसमें पुट कर देती हूँ। 3x माइनस 5 y की जगह मैं लिखूंगी माइनस 5 बाय 13, ओके, माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसी तरह से लिखूंगी। ये बन जाएगा 3x प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस 25 बाय 13 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यही बनेगा। अब यहाँ पर ना एलसीएम लेंगे तो 3x मेरे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस 4 है दो जगह प्लस 4 होगा, प्लस 25 बाय 13 और दो जगह माइनस 25 बाय 13 होगा। ठीक है, तो 3x विल बी एलसीएम ले लूंगी नीचे 13 आ जाएगा, तो 13 इंटू 4 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 52 माइनस 25, तो ये मेरे पास आ जाएगा 27 बाय 30, यही आएगा। लेकिन यहाँ पर अब 3 है ना, तो 3x इज इक्वल टू 27 बाय 13, यही आएगा। अब 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड इस तरह से नीचे, है ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा x would be equal to 27 by 39, याद रखिए x की वैल्यू, x will be 27 by 39 and y will be minus 5 over 13। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज एलिमिनेशन मेथड के लिए हमारी एक जनरल इक्वेशन होती है, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। इनफैक्ट सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी यही इक्वेशन जनरल इक्वेशन है जो वैलिड होती है, लेकिन ये जो इक्वेशन का फॉर्म है ये उस तरह नहीं है, हम जो लीनियर इक्वेशन जिस तरह से देखे हैं, है ना। तो करना क्या है आपको, इन इक्वेशंस को पहले उसमें सॉल्व करना है, उसमें कन्वर्ट करना है, आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। अब जैसे ये सिंपल, इसको मैं एलसीएम ले लूं इसका, है ना, तो ये सिंपली इसको 3 और 2 का एलसीएम लेकर मैं सॉल्व कर सकती हूँ। 3x प्लस 2 है तो 4y इक्वल्स टू माइनस 1, तो ये 6 जो है उधर जाके माइनस 6 बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब ये सिंपली 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, ये सिंपल हमारे पास वो वाली इक्वेशन बन गई है इजी वाली। ठीक है, उसी तरह से ये जो दूसरी है इसको भी हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 2 x नीचे पहले मैं एलसीएम 3 ले लूं तो ये बनेगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, यही है, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 3 से 3 9 बन जाएगा, राइट, तो ये बन गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। तो देखो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को इन दोनों में वापस से कन्वर्ट कर दिया है ना, तो अब ये सॉल्व करना बहुत इजी, अदरवाइज इनको सॉल्व करना तो मुश्किल था ना, कटिंग कैसे करते, सब्ट्रैक्ट कैसे करते। ठीक है, तो चलिए इसको एलिमिनेट करते हैं। अब देखो इसका तो कोफिशिएंट्स भी सेम है 3x 3x, तो हमें किसी को मतलब एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करवाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ये दोनों साइन सेम है। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, दैट वुड बी माइनस, दैट वुड बी प्लस, और ये वापस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कटिंग करते हैं, 3x और ये कट जाएंगे, 4y ये साइन छुप जाएगा, 4y प्लस y दैट इज 5y, ये हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस, और माइनस है दोनों, मेक श्योर दिस थिंग, ओके, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 15, राइट, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस ऑफ 15 ओवर 5, दिस वुड बी द इक्वेशन। इसकी कटिंग कर दें
तो y का जो वैल्यू है वो आ जाएगा माइनस सिंपल एज दैट। अब x निकालने के लिए ना आपको वापस ना इनमें पुट करने की जरूरत नहीं है, इनमें पुट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मैंने तो भला किया था नहीं करना, क्योंकि यहाँ हमने किसी एक्स्ट्रा को मल्टीप्लाई नहीं करवाया, ये वही इक्वेशंस है बस एक अलग फॉर्म में, मल्टीप्लाई नहीं करवाया कुछ भी। तो इस वाली में हम पुट कर देते हैं, दिस वन 3x माइनस वाई, माइनस वाई की जगह में माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और 3x हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6, x हो जाएगा 6 ओवर 3 और इसकी कटिंग कर दें तो x आ जाएगा 2, ठीक है। तो x आ गया 2 और y आएगा माइनस 3। मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन थी देखने में, लेकिन हमने इसको इजीली इसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंपल कैसे, एलसीएम की हेल्प से। तो यहाँ पर आप याद रखना, एलसीएम लेकर आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो सिंपल इक्वेशन में। तो अब मेरे पास एक स्टेटमेंट है, मैं आपको स्टेटमेंट रीड करूंगी, आपको बस उस स्टेटमेंट से इक्वेशंस बनानी है। सो द स्टेटमेंट इज द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज 9:7। दोनों की इनकम की रेशियो दे रखी है 9:7, ओके। एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की रेशियो दी हुई है 4:3, ये इनकम की है, ये एक्सपेंडिचर की है, ठीक है। Each of them manages to save rupees 2000. दोनों बंदे जो है वो हर महीने 2000 रुपए बचा रहे हैं, ठीक है। Find their monthly income. हमें क्या निकालनी है उनकी monthly income. हमारे पास उनकी जो income भी है, expenditure भी है, उनकी savings भी है. Savings भी लिख लेते हैं, दोनों की same है 2000 savings. हमने क्या निकालना है? Monthly income, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो भी given है हम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ना आप ये ध्यान रखना, इनकम को हम x से डोनेट कर लेते हैं और एक्सपेंडिचर को हम y से डोनेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे इक्वेशन कैसे बनाएं? देखिए, सेविंग्स क्या होती है, सेविंग्स मतलब टोटल इनकम में से जितना एक्सपेंडिचर कर लिया उसको माइनस कर दे तो बच गया वो सेविंग। तो अगर मैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करूं तो मेरे पास आना चाहिए सेविंग्स, है ना। तो अगर मैं पहले बंदे की बात करूं, उसकी इनकम कितनी थी 9, रेशियो में देखो तो रेशियो में आपको पता है वैसे 9 नहीं लिख सकते, तो मैं लिखूंगी 9x। ये उसकी पहले, ये फर्स्ट पर्सन की बात कर रही है, 9x माइनस करना उसका एक्सपेंडिचर कितना था y 4 सॉरी, तो ये बन गया 4y, दिस शुड बी इक्वल टू 2000, बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड बंदे की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, उसका इनकम देखो 7 था तो 7x, उसके खर्चे कितने हैं 3y, This is your second question. Simple as that. देखो ना स्टेटमेंट सर में तो आप इस तरह मत लिखना, आप स्टार्टिंग में लिखना कि लेट द इनकम डिनोटेड बाय एक्स एंड द एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय वाई, इस तरह से लिखना, ठीक है। तो अब देखो इसको सेम करने के लिए ना, अब इन दोनों को करने के बजाय मैं इन दोनों को सेव कर लेती हूँ, सेव करने में मुझे इनमें थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको 4 से, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो इजी हो गया ना सॉल्व करना, इसमें भी 1 का ही डिफरेंस आएगा, सब्ट्रैक्ट करना साइन हो जाएंगे उल्टे, माइनस प्लस माइनस। अब देखो ये तो कट गया, इसको आ जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि माइनस वाला साइन है 28 के साथ, बड़े के साथ जो जो साइन होता है वही आता है हमेशा। इधर बच जाएगा माइनस 8-6 यानी माइनस ऑफ 2000, और माइनस और माइनस कट गया तो x कितना बच गया मेरे पास, x आ गया 2000, ठीक है। अब जरा y की भी वैल्यू निकाल ले, इन्हीं दोनों में से किसी एक में पुट करके ऊपर वाली में पुट कर लेते हैं, या नीचे वाली में कर लो थोड़े कम डिजिट से, तो 7 × 2000 - 3y इज इक्वल टू 2000, ये आया मेरे पास 14,000 - 3y इज इक्वल टू 2000। अब ये 14,000 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 14,000, है ना, इस तरह से। अब देखो 2000 माइनस 14,000 क्या होगा, 12,000, साइन किसका आएगा माइनस का, तो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12,000, माइनस माइनस कट जाएगा, y विल बी 12,000 / 3, इनकी कटिंग हो जाएगी तो y आ जाएगा आपके पास सिंपली 4,000। तो x की वैल्यू आ गई 2000
y की वैल्यू आ गई 4000। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था मंथली इनकम निकालनी है दोनों की, लेकिन हमें रेशियो पता थी दोनों की। फर्स्ट जो बंदा था उसकी मंथली इनकम थी 9x और सेकंड पर्सन की मंथली इनकम है 7x। हमने हाँ 7x है ना, हमने तो अभी सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है ना। वैसे वाई की जरूरत नहीं थी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन इट्स गुड कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम कितनी होगी, 9 × x कितना है 2000 है ना। तो फर्स्ट पर्सन में आने देती हूँ, फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम जो है वो होगी आपके पास 18,000 रुपीस। ठीक है, और जो सेकंड है उसकी कितनी होगी 7 × 2000। तो दैट इज सेकंड पर्सन की मंथली इनकम हो जाएगी 14,000। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो रेशियो वाले क्वेश्चंस है इससे इक्वेशन बनानी है। ये आते हैं स्टेटमेंट सम्स में आते हैं और आपको इसको सोल्व भी स्टेटमेंट के फॉर्म में करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा लाइक द इनकम भी एक्स, एक्सपेंडिचर भी वाई, सेविंग्स तो दोनों की सेम ही थी। और ये पता होना बहुत जरूरी है। ये नहीं पता होगा तो आप स्टेटमेंट को सॉल्व क्या छोड़ो स्टार्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ना चाहिए सेविंग्स कैसे आती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके, राइट। तभी मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाया, अदरवाइज मैं प्लस भी तो कर सकती थी। क्यों माइनस किया, बिकॉज सेविंग्स जो है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके ही आती है। अब मान लो क्वेश्चन आ जाता, ये तो आगे चला क्वेश्चन था कि फाइंड मंथली इनकम, क्वेश्चन आ जाता फाइंड मंथली एक्सपेंडिचर, फिर आप क्या करते, फिर आप इधर आ जाते, फिर ये बन जाता 4y और 3y। 4y करते 4 × 4000, तो उसकी आ जाती आपके पास 16,000 एक्सपेंडिचर, और उसी तरह से उसकी 3y के साथ भी आ जाती। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और स्टेटमेंट सम्स के लिए स्टेटमेंट्स लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से सारा क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया समझ आए हूँ। और आप मेरी बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने इसी चैप्टर के ऊपर बनाई है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आपके जो भी एग्जाम्स है उनमें भी काफी हेल्पफुल होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। Thank you and have a very nice day. Goodbye.